तो कैसे हैं आप परिवार? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको वेंडिंग मशीन की क्राउनिंग बेस सेट करने के बारे में बताएंगे। बेस सेट कैसे करते हैं दोस्तों? हमने डाई सेट करनी होती है, इसको डाई को सेट करना है, ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ से ढीला कर लेंगे, दोनों साइड से, आगे से पीछे से। कंट्रोलर में आएंगे दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग सेट करते लाएंगे इसमें हम। इसमें डालेंगे 100 mm और मशीन को लाएंगे नीचे। ऑन करने के बाद बेस सेट कैसे करा जाता है इसका, ठीक है दोस्तों। यहां तक के ले आएंगे हम मशीन को। अगली साइड में आते हैं हम मैनुअल पॉजिंग। मैनुअल पॉजिंग में दोस्तों हम यहाँ से इसको ऐसे करेंगे और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को इसको पकड़ के लाएंगे और यहाँ तक के लिए आए, ठीक है। अब हमारा ये पंच देखो नीचे जा रहा होगा, ठीक है। हमें एडजस्ट मोमेंट दबाना भूल गए हम, ये एडजस्ट मोमेंट हमने लगा दिया है यहाँ पे। और इसे करने के बाद दोस्तों हम ये ऑन किया हमने, और देखो दोस्तों ये हमारा पंच नीचे आ गया है। और ये हम इसको डाउन करेंगे, देखो दोस्तों ये हमारा पंच बिल्कुल नीचे बैठ गया है, ठीक है। तो ऐसे हमारी टाई सेट हो जाती है, दोनों साइड से सेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाला जो ऑप्शन था मैनुअल पॉजिंग का, ठीक है, इसको सिलेक्ट करने पड़ते हैं और इसको खींच के ऐसे लाना पड़ता है, इसको यहाँ तक के, और पेडल को दबाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे बेस सेट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जैसे कि आपको आगे की वीडियो मेरी मिलती रही टाइम के अनुसार। ठीक, धन्यवाद।